टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर की स्वाट टीम और सियाना पुलिस ने बिजली की एलटी लाइन पर रस्सा और चैन डालकर सरकारी तार चोरी करने वाले अंतरजनपदीय तार चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 10 लाख रुपए का 15 कुंतल बिजली का तार, अशोक लीलैंड पिकअप गाड़ी और 3 तमंचे बरामद किए। पुलिस की माने तो अंतरजनपदीय तार चोर गिरोह बुलंदशहर में पिछले 22 साल से वारदातों को अंजाम दे रहा था और तार चोरी कर दिल्ली में बेचने का गोरख धंधा करता था। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये हैं बुलंदशहर के रहने वाले हरिओम, तुरेंद्र, इस्लाम और परमाल, जिन पर बिजली की एचटी व एलटी लाइन पर रस्ता और चैन डालकर लाखों रुपए का तार चोरी करने का आरोप है। दरअसल जनपद में अंतरजनपदीय तार चोर गिरोह पिछले 22 साल से बुलंदशहर के सक्रिय था और आज ये बुलंदशहर की स्वाट टीम और सियाना पुलिस के हत्थे चढ़ा तो जनपद के कई थाना क्षेत्रों में हुई तार चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। 3-4 आदमी रस्ता डालते थे जी और उसे नीचे खींच के काट देते थे, काट के दोनों तरफ का रस्ता बंडल बना लेते थे, फिर रोड के किनारे ले जाकर गाड़ी में लोड कर लेते थे, फिर दिल्ली ले जाते थे और वहाँ भेज देते थे। कितने गैंग में शामिल लोग तुम्हारे? 6 आदमी। ये 4 सदस्यीय गिरोह जो बहुत सातिर किस्म का है, जो बिजली के खम्भों से तार की कटिंग करके उसको बेचता है, इसके 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें माल खरीदने वाला जो है ज्वाला नगर सहदरा दिल्ली में रहता है वो भी गिरफ्तार हुआ है। इनके कब्जे से एक अशोक लीलैंड पिकअप गाड़ी है बरामद हुई है, इनके पास 3 तमंचे और कारतूस आदि बरामद हुए हैं, 15 कुंटल तार जो इन्होंने कई चोरी की घटनाओं में अभी पिछले 1-1.5 महीने के भीतर इस जनपद में की थी वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। तार काटने के सारे उपकरण मिले हैं, रस्सी के बंडल मिले हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी है क्योंकि काफ़ी दिनों से ये गिरोह इस जनपद में सक्रिय था और इसमें उल्लेखनीय है कि 1997 से ही इस गिरोह के सदस्यों के खिलाफ 32 मुकदमे एक के खिलाफ है, 9 मुकदमे एक के खिलाफ है, तो ये बड़े पुराने समय से इस पेशेवर अंदाज में इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, गांव देहात में जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें जो है ये फेंक करके पहले लाइन को जो है डिस्टर्ब करते थे, इसके बाद तार काट करके गाड़ी मंगा लेते थे और उससे लाद के ले जाते थे दिल्ली में, ले जा करके फिर गला करके बेचने का काम करते थे। तो इसमें खरीददार भी गिरफ्तार किया गया है और कटिंग करने वाले हैं, गाड़ी चालक भी गिरफ्तार है, तो सभी अपराधी इसके गिरफ्तार किए। पुलिस की माने तो तार चोर गिरोह के 4 सदस्य चोरी के तार को दिल्ली बेचने जा रहे थे कि इसी दौरान इन्हें धर दबोचा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।